नमस्कार, जीपीसी बीकानेर से प्रशांत जोशी आपका स्वागत करता हूँ। आज हम EL 204 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट सब्जेक्ट में जो हमारी GFET यूनिट FET की जो यूनिट है उसमें एक टॉपिक है, तो FET की बायसिंग। तो उसमें हम GFET का वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने दूसरे टाइप के फिक्स बायस, सेल्फ बायस आदि का अध्ययन किया था। अब हम वोल्टेज डिवाइडर बायस, इसे पोटेंशियल डिवाइडर बायस भी कहते हैं। तो इसमें जैसा कि इस चित्र में दिखाया है, यहाँ जो VDD हमारी +5 वोल्ट बैटरी है, इसका एक्चुअल में मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है और ये इस ग्राउंड से इसका नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है। तो इसका ये एक इम्प्लाइड मीनिंग होता है। यहाँ ड्रेन रेजिस्टेंस है R1 और R2, ये R2 है, ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क कहलाता है। तो बाकी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। ये इनपुट साइड में कैपेसिटर है, ये आउटपुट साइड में कैपेसिटर है। यहाँ इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज लेंगे। इनपुट वोल्टेज हमने कहाँ दिया है, यहाँ ग्राउंड और इस VI, ये जहाँ डिनोट किया है, इसके बीच में हमने इनपुट सिग्नल जो भी है वो देंगे। ये सिग्नल AC सिग्नल भी हो सकता है। अब भले ही हमने इसमें AC सिग्नल दिया है इनपुट के रूप में और आउटपुट पे हमें AC सिग्नल मिलेगा, लेकिन इसका जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम पहले हमें लोड लाइन भी निकालनी होती है। तो उसके लिए हम DC एनालिसिस करते हैं। DC एनालिसिस में इसका स्टेप क्या होगा कि DC एनालिसिस करेंगे तो हम जानते हैं कि कैपेसिटर्स जो हैं वो इनफाइनाइट इम्पीडेंस का बिहेव करेंगे, यानी कि हम इनको ओपन सर्किट कर सकते हैं। तो अगर इनको ओपन सर्किट कर देंगे तो इफेक्टिवली इनका जो तुल्य परिपथ है वो इस प्रकार से हो जाएगा कि ये यहाँ ये VDD और ये हमारा R1 और इधर ये R2, ये ग्राउंड है ही, और इस तरफ जो है नगण्य करंट जाएगी FET की तरफ, क्योंकि इसकी इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होती है, मेगा ओम्स में इसकी सॉरी ये मेगा ओम्स में इसकी इम्पीडेंस होती है। ये एन चैनल FET है, यहाँ हमने ये लिखा है। ये बेसिकली इन दो, इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में शॉर्टेड है और दोनों ही ग्राउंड पोटेंशियल पे हैं। ग्राउंड पोटेंशियल अर्थ पोटेंशियल से अलग भी हो सकता है। ये जो पोटेंशियल है, इस यहाँ ये जो गेट पे प्लस दिखाया है और एस पे सोर्स पे हमने माइनस दिखाया है, ये VGS वोल्टेज है, VGS पोटेंशियल है इन दोनों के बीच में। और इसे हम यूं भी दिखा सकते हैं, ये ड्रेन रेजिस्टेंस है। तो इस लूप में एक करंट हम देखें तो इफेक्टिवली हम ये कह सकते हैं कि ये जो इतना नेटवर्क है इसको हम इफेक्टिवली ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि इस टाइप से R2, R1, यहाँ VDD और ये अर्थ, यार इस ये इधर चूंकि कोई भी करंट नहीं जाएगी, करंट इस तरफ जीरो होगी क्योंकि ये इस चीज़ को हम यहाँ दिखा रहे हैं, इसकी इनपुट इम्पीडेंस हाई होने के कारण इसको रीड्रॉ किया है हमने नेटवर्क को। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करें, वोल्टेज डिवीजन रूल को भी हम ध्यान में रखें, तो हम क्या लिख सकते हैं कि इस नेटवर्क के लिए हम लिख सकते हैं VG, ये जो इसके लिए VG यहाँ पे क्या है, ये VG है गेट पे वोल्टेज, या VG है उसे हम VGS नहीं कहेंगे, VG कहेंगे। VG जो है वो R2 के अक्रॉस वोल्टेज, यानी कि जो गेट पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, बेसिकली R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप है। तो R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप है वही गेट वोल्टेज है। तो गेट वोल्टेज VG को हम डिनोट करेंगे VDD, जो भी इसका टोटल वोल्टेज है, मीन्स ये या यूँ कह सकते हैं कि एक इमेजनरी बैटरी है ये। तो ये जो टोटल पोटेंशियल है इस नेटवर्क के अक्रॉस बैलेंस हो रहा है, तो उसमें से R2 के अक्रॉस कितना बैलेंस होगा, VDD इंटू R2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, ये हमारा VG होगा। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाएं, इस लूप में अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, VGS इज इक्वल टू VG
इज इक्वल टू वी जी माइनस आई डी इंटू आर एस। वी जी एस ये जो पोटेंशियल है ये बेसिकली इसमें से आई, अगर हम ये वाली करंट आई डी मान रहे हैं, यहाँ पर ड्रेन करंट आई डी की डायरेक्शन ये है, अगर आई डी ये वाली है और ये सारी की सारी करंट इसमें से फ्लो होगी। क्यों फ्लो होगी? क्योंकि आई डी इक्वल टू आई एस होता है, क्योंकि इस तरफ कोई करंट गेट करंट जीरो होती है। तो इस कारण से हम ये लिख सकते हैं कि वी जी एस जो ये वोल्टेज है, वी जी एस इक्वल टू वी जी माइनस आई डी इंटू आर एस। तो ये जो इस इक्वेशन जो है वो दो वेरिएबल्स को इंक्लूड करती है, जो कि शोकले इक्वेशन में भी थे। और वो दो वेरिएबल कौन से हैं? एक तो VGS है हमारा और एक ID है। शोकले इक्वेशन हम किसको कह रहे हैं? जो ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP होल स्क्वायर था, ये थी। इसमें भी VGS आ रहा था और ID आ रहा था, ये इसको हम, ये हमारा दो वेरिएबल थे, इसमें भी ये दो वेरिएबल है। तो दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जो क्वांटिटीज हैं वीजी और आरएस, वीजी और आरएस जो है वो नेटवर्क के कंस्ट्रक्शन के द्वारा कांस्टेंट हैं, फिक्स हैं। फिर भी ये जो इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, पर इसका जो मेन जो मूल बिंदु है, ओरिजिन जो है वो इस लाइन की प्लॉटिंग पे नहीं आएगा। तो जो प्लॉटिंग करेंगे हम, उसके लिए हमें दो पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो पहला तो हम ये कह सकते हैं कि एक एनीवेयर ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि जब आई डी इक्वल टू जीरो है, आई डी इक्वल टू अगर जीरो है वो वाला हम पॉइंट ले लेते हैं। तो अगर ये हम आई डी इक्वल टू जीरो लेते हैं, तो ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें इस इक्वेशन में, तो हमें वी जी एस क्या मिलता है? वी जी एस विल बी वी जी गिवन दैट, यानी कि हमने क्या सेट किया, जब आई डी इक्वल टू जीरो, आई डी इक्वल टू जीरो हो तो वी जी एस इज इक्वल टू वी जी होता है। एक तो ये हमें लोड लाइन के लिए, यानी कि नेटवर्क इक्वेशन के लिए, ये ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए इक्वेशन मिल जाएगी। तो इससे हमें क्या होगा कि एक इफेक्टिवली क्या होगा, ये हमारा जैसे कि शॉकले इक्वेशन से लाइन आती है, और एक हमें एक ये वाला नोड लाइन मिल जाएगी। तो इसका जो इंटरसेक्शन है वो क्यू पॉइंट होगा। यहाँ पे हम प्लस वी जी कह सकते हैं, ये एक्स अक्ष पे क्या होता है, वी जी एस हम प्लॉट कर रहे थे, ये वो वाला पॉइंट है जब आई डी इक्वल टू जीरो है, और ये हमारी इस इक्वेशन को डिनोट करने वाली स्ट्रेट लाइन है, जो कि इसका नेगेटिव स्लोप है। ये वाला पॉइंट क्या है, आई डी एस एस मैक्सिमम सेचुरेशन ड्रेन टू सोर्स सेचुरेशन करंट, और ये वाला पॉइंट जो कि यहाँ कट करता है इसका, वो पिंच ऑफ वोल्टेज वी पी को बताता है। तो ये वोल्टेज डिवाइडर बायस के लिए है। अब दूसरा पॉइंट जो है, हमने इसमें बेसिकली एक पॉइंट तो हमने ये लिया था, ये दूसरा पॉइंट हमें कैसे मिला, इसके लिए हम क्या करते हैं कि दैट एनी पॉइंट ऑन द वर्टिकल एक्सिस इज वी जी एस इक्वल टू जीरो। वर्टिकल एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है वो वी जी एस इक्वल टू जीरो होगा उस पर। सो अगर हम वो प्लॉट करें उसके लिए, तो वी जी एस को अगर हम जीरो रखें इस इक्वेशन में, वी जी एस को जीरो रखें, तो हमें क्या मिलता है, आई डी के वैल्यू निकाल लेते हैं। आई डी की वैल्यू आ जाती है वी जी अपॉन आर एस, गिवन दैट हमने क्या पुट किया था, वी जी एस इक्वल टू जीरो वोल्ट। यानी कि अगर ये रखते हैं तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर ड्रेन करंट इतनी मिलती है। तो वो हमने यहाँ पे बिंदु प्लॉट कर दिया और उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन खींची, जो कि हमारी लोड लाइन है। तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आर सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम बढ़ाते जाएं, तो उससे जो क्यू पॉइंट की वैल्यू है, क्यू पॉइंट पर ड्रेन करंट आईडी की वैल्यू
कम होती जाती है और वीजीएस की वैल्यू अधिकाधिक नेगेटिव होती जाती है, यानी इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ आरएस गिव्स लोअर क्यू क्यू पॉइंट वैल्यूज ऑफ ड्रेन करंट एंड मोर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ ड्रेन गेट टू सोर्स वोल्टेज। तो इसी के आधार पे हम जब हम एक बार क्यू वैल्यू क्यू पॉइंट की पर करंट और वोल्टेज वैल्यू डिटरमिन कर लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि वी डी एस बराबर क्या हो जाएगा, वी डी डी माइनस आई डी इंटू आर डी प्लस आर एस। किरचॉफ वोल्टेज लॉ की भी हमने इसमें हेल्प ली है। और जो हमारी R1 और R2 रेजिस्टेंस है उनमें जो करंट है वो सेम होगी, इक्वल होगी, और उसका मान कितना होगा, वी डी डी अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हमारी बायसिंग थी। अब इसमें न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में मान लीजिए कि ये हमारा सर्किट है, इसी सर्किट में कुछ वैल्यूज़ में हम असाइन कर देते हैं कि 10 माइक्रो फेरेड है, ये जो वैल्यू है R1 की वो 2.1 मेगा ओम है, इसकी वैल्यू और ड्रेन रेजिस्टेंस की वैल्यू 2.4 किलो ओम है, और इस R2 की वैल्यू 270 किलो ओम है मान लीजिए, और इस सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू 1.5 किलो ओम है, इसकी वैल्यू 20 माइक्रो फेरेड है, CS की वैल्यू 20 माइक्रो फेरेड है, और हमें ये गिवन है कुछ नियतांक IDSS सर्किट का 8 मिली एम्पियर गिवन है डेटा शीट से, FET की डेटा शीट से मिल जाता है, और VP जो है वो -4 वोल्ट है। तो अब हमें इसका हम एनालिसिस करें, तो VG की इसके लिए जो ड्रेन करंट ID है इस सर्किट के लिए, इस सर्किट के लिए अब हम देखेंगे ID जो है हमारी IDSS/4, ये हम लेते हैं, यानी 8 मिली एम्पियर/4, यानी कि करीब 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर हमने लिया। तो VGS की वैल्यू जो है, VGS बराबर क्या होगा, VP/2, यानी कि -4/2, यानी कि -2 वोल्ट, ये पॉइंट मिल जाएगा। तो इससे जो कर्व हमें मिलेगा वो शॉकले इक्वेशन के अकॉर्डिंग होगा। तो हम जो है ये लिख सकते हैं कि वी जी इज इक्वल टू R2 की वैल्यू क्या थी, 270 के, और ये 16 वोल्ट है, अपॉन 2.1 मेगा ओम प्लस 0.27 मेगा ओम। यहाँ पर हमने VDD जो है वो 16 वोल्ट, यहाँ पे हम दे देते हैं VDD की वैल्यू 16 वोल्ट असाइन कर देते हैं, ये सब 16 वोल्ट है इस न्यूमेरिकल में। तो उसके अकॉर्डिंग हमने गेट का वोल्टेज निकाल लिया, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो आ जाता है 1.82 वोल्ट। अब हमें VGS निकाल क्या निकालना है, हमें VGS, तो VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज क्या होगा, गेट का वोल्टेज माइनस उसमें से ड्रेन करंट इनटू सोर्स रेजिस्टेंस, तो ये आ जाएगा 1.82 वोल्ट माइनस ID, अभी अभी तक हमारा एक अज्ञात है, और इसको हम 1.5 किलो ओम दिया हुआ है RS की वैल्यू। इससे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि जब जब अगर हम ID इक्वल टू 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में ड्रेन करंट को, तो हमें VGS बराबर 1.82 वोल्ट मिलता है, जो कि VG के बराबर है। और जब VGS बराबर 0 हो, जब VGS बराबर 0 हो तब क्या होगा, ड्रेन करंट की वैल्यू ID जो है ड्रेन करंट, उसकी वैल्यू आती है 1.82 वोल्ट अपॉन 1.5 किलो ओम इज इक्वल टू 1.21 मिली एम्पियर। तो जो बायस लाइन अपीयर होगी
इसकी वजह से जो क्विसेंट वैल्यूज आएंगी, ड्रेन करंट एट क्यू पॉइंट, इसकी वैल्यू 2.4 mA आ जाएगी। ये जो इस टाइप की हमारी जो बायस लाइन है, और जो VGS एट द क्यू पॉइंट, उसकी वैल्यू -1.8 वोल्ट आएगी। तो हम देख सकते हैं कि ये नेगेटिव है क्योंकि एन चैनल में FET है। इसी टाइप से हम वैल्यूज पुट करेंगे तो VD बराबर आ जाएगा VDD माइनस ID इंटू RD इज इक्वल टू 16 वोल्ट माइनस ID की वैल्यू क्या है 2.4 mA, और इसको हम 2.4 kΩ ड्रेन रेजिस्टेंस, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आती है 10.24 वोल्ट। सिमिलरली हम कर सकते हैं। अब हम डिप्लीशन टाइप FET के लिए, MOSFET के लिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मान लीजिए इसमें VDD की वैल्यू 18 वोल्ट है और ये ड्रेन रेजिस्टेंस है वो 1.8 kΩ है, और जो हमारा FET है MOSFET है, ये MOSFET है। इस MOSFET को इसमें आप ये देखिएगा, इसका सिंबल हम जो बनाते हैं इसमें तीर के निशान की दिशा क्या है, ये ध्यान रखनी है हमें। जो ये हमारा इनपुट VI यहाँ होगा और ये हमारे बायसिंग रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है। ये दूसरा रेजिस्टेंस है R2, R1 की वैल्यू जो है वो हमें 110 MΩ दी हुई है और R2 की वैल्यू 10 MΩ दी हुई है। ये ग्राउंडिंग है। इसके बाद यहाँ सोर्स रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू 750 Ω है और ये ग्राउंड किया हुआ है। ग्राउंड है वैसे में, ये दोनों आपस में शॉर्ट है, कनेक्टेड है। ये हमारा ड्रेन टर्मिनल है, इस ड्रेन टर्मिनल से कैपेसिटर आउटपुट साइड में, ये आउटपुट वोल्टेज या प्लस नोटेशन हम ले रहे हैं। ये 1.8 kΩ हमारा ड्रेन रेजिस्टेंस है। तो इस डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के लिए हमें मान लीजिए क्यू पॉइंट की वैल्यूज निकालनी है, तो कैसे करेंगे कि जो इसका जो ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक है, एक जो हम उसके लिए एक पॉइंट डिफाइन करेंगे, वो पॉइंट हम मान डिफाइन करते हैं ID इज इक्वल टू IDSS/4। ये तो अच्छा, इसमें हमें ये मान के चल रहे हैं कि IDSS की वैल्यू जो है वो गिवन है, 6 mA गिवन है, और जो पिंच ऑफ वोल्टेज है उसकी वैल्यू भी -3 वोल्ट गिवन है। इसका मतलब ये एन टाइप डिप्लीशन मॉसफेट है क्योंकि इसका पिंच ऑफ वोल्टेज नेगेटिव है, इससे पता चल रहा है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि IDSS/4 यानी कि 6/4 यानी कि करीब 1.5 mA, 1.5 mA इसकी ड्रेन करंट हो जाएगी। और VGS जो है हमारा, VGS की वैल्यू क्या है, वो पिंच ऑफ वोल्टेज की आधी, ये डिज़ाइन पैरामीटर है, तो -3/2 यानी -1.5 वोल्ट हो गया। तो पिंच ऑफ वोल्टेज का लेवल देखते हुए और शोकले इक्वेशन जो है वो एक कर्व को डिफाइन करती है, तो शॉकले इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि ID इज इक्वल टू IDSS यानी 6 mA इंटू 1 माइनस VGS। VGS की वैल्यू क्या है, VGS की वैल्यू है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट अपॉन पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू इसमें हमें दी हुई है -3 वोल्ट, तो हम यहाँ -3 वोल्ट लिखेंगे। तो जो VGS एक्चुअली द शॉकले इक्वेशन डिफाइंस अ कर्व विच इंक्रीजेस मोर क्विकली एज गेट टू सोर्स वोल्टेज बिकम्स मोर पॉजिटिव। इसलिए एक पॉइंट जो है हम डिफाइन कर रहे हैं कर्व पे जहां पर कि VGS इक्वल टू 1 वोल्ट होता है। ये हमने इसको लिया है आर्बिट्रेरीली,
और उसके बाद पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू रखी इसमें हमने। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ये होल स्क्वायर होता है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ड्रेन करंट की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 mA टू 1 + 1/3। ये प्लस इसलिए हो गया क्योंकि ये माइनस है और ये यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो होल स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 10.67 mA इसका रिजल्ट आता है ड्रेन करंट का। तो जो अब जो हम बनाएंगे इसकी वजह से ये जो हमें प्राप्त होता है इस टाइप से शॉकले इक्वेशन में, तो वहाँ ये भी पिंच ऑफ वोल्टेज है, Vp इज इक्वल टू -3 V है, और ये जो IDSS या 6 mA है IDSS, और ये हम वाई एक्स पे क्या होता है ड्रेन करंट होती है, एक्स अक्ष पे क्या होता है गेट टू सोर्स वोल्टेज होता है। यहाँ नाउ जैसा कि हम GFET में करते थे, GFET में उसी टाइप से हम पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क का एनालिसिस करें तो VG की वैल्यू जो है गेट वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी 10 MΩ × 18 V अपॉन 10 MΩ + 110 MΩ। इनको इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास VG की वैल्यू 1.5 V आ जाती है। और इसी प्रकार से हम VGS की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। VGS का मान क्या हो जाएगा, VGS इज इक्वल टू हो जाएगा VG − ID × RS। ये सेम वही इक्वेशंस हैं जो हमने GFET के वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क में काम में ली थी। तो ये आ जाएगा, इससे हमें VGS की वैल्यू ये इसी इक्वेशन में जब हम ID इक्वल टू पुट ID को ड्रेन करंट को जीरो पुट करते हैं तो इट गिव्स अस VGS इज इक्वल टू VG और वो आ जाएगा 1.5 V। और अगर हम VGS को जीरो पुट करते हैं तो इट गिव्स क्या देगा ये हमें, ID इज इक्वल टू VG अपॉन RS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 V डिवाइडेड बाय 750 Ω यानी कि 2 mA। तो ये जो हम पॉइंट प्लॉट्स करें इन दोनों पॉइंट्स को, यहाँ पे अगर ये मान लीजिए 1 है और ये 2 है तो ये हमारा पॉइंट लगभग यहाँ से स्टार्ट होगा, और जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो अगर ये 1 है और ये जो लाइन हमारी पास होगी ये 2 है, 0.2 है, 2 mA, तो ये इसको यहाँ पर क्रॉस करेगी, यहाँ हमें क्यू पॉइंट मिल जाएगा। ये दो बिंदु यूज़ करते हुए हमने डॉट लाइन ड्रॉ की जो यहाँ पे हमें इस कर्व को यहाँ काटती है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्यू पॉइंट हो गया हमारा। और इस पॉइंट के ऊपर जो हमें VGS Q का मान करीब माइनस लगभग इससे हम रीड करें तो इस पॉइंट पे ID एट द क्यू पॉइंट वो हमें मिल जाती है लगभग 3 mA के आसपास मिल जाएगी, लगभग 3 mA के आसपास मिलेगी। और जो हमारा VGS है एट द क्यू पॉइंट, जो हमारा VGS है क्यू पॉइंट पे वो करीब -0.9 V या 0.85 के करीब ये मिल जाएगा। ये हम इससे एक क्यों, क्योंकि यहाँ ये -1 है ये -2 है, तो हम एक इन्फर कर सकते हैं। इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से और लोड लाइन की हेल्प से बायसिंग सर्किट का एनालिसिस करते हैं।